नमस्ते, आज हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल केक। उसके लिए सबसे पहले हम कढ़ाई पे नमक डाल करके गरम होने के लिए 10 मिनट के लिए रख देते हैं। जब तक मेरा कढ़ाई लो फ्लेम पे गरम हो रहा है, तब तक हम बैटर की तैयारी कर लेते हैं। पहले सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उस पर हम आधा कटोरी दही और आधा ही कटोरी पीसी हुई चीनी डाल करके पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चीनी और दही को डाल करके हम अच्छी तरह से उसको फेंटेंगे कुछ मिनट तक। कुछ मिनट फेंटने के बाद यहाँ पर अब हम 1/4 कप ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल हम यहाँ पर डाल रहे हैं। डाल करके अच्छी तरह से उसको मिला देंगे। मिलाने के बाद हम एक तरफ इसको रख देंगे। अब हम मैदा छानेंगे। मैदा छानने के लिए हम यहाँ पर एक छन्नी ले रहे हैं, उसमें हम 1 कप मैदा डालेंगे और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। यहाँ पर हम चॉकलेट केक बना रहे हैं, इसलिए हम 3 चम्मच यहाँ पर कोको पाउडर डालेंगे। अगर आपको प्लेन बनाना है तो कोको पाउडर मत डालिए। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है। आपको मेजर करना है तो किसी कटोरी या ग्लास कोई चीज़ से भी, तो एक सेम करेंगे। जैसे 1 कटोरी आप मैदा ले लिए तो आधा कटोरी दही, आधा कटोरी चीनी, उसी हिसाब से आप करेंगे तो केक बहुत अच्छा बनेगा। मिक्स करने के पहले हम जिसमें बनाना है हमको टिन, उसमें हम पहले ऑयल लगा के या बटर पेपर लगा करके ग्रीस कर लेंगे। 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल करके हम अच्छी तरह से मिला देंगे उसको। अब सभी चीज़ों को हम डाल करके अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसको फेंटना नहीं है, बस अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हम। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, सूखा लग रहा है, तो इसमें हम 2-3 चम्मच दूध डालेंगे। दूध डाल करके बस मिला करके हम बैटर को डाल देंगे। हमको जिस बर्तन में बनाना है उस बर्तन में हम डाल करके टैप कर लेंगे 2-3 बार, जिससे कि उसमें एयर बबल्स जितने हो निकल जाए। कढ़ाई भी मेरा गरम हो गया है, अब उसमें हम डाल देंगे। डालने के बाद इसको ढक करके हम रख देंगे। 25 मिनट के बाद इसको हम चेक करेंगे। 25 से 30 मिनट के बाद हम इसको खोल करके देखते हैं। देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, बिल्कुल पफ। अब हम चेक करने के लिए एक नाइफ ले रहे हैं, इसको डाल करके देख रहे हैं। देखिए बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, बिल्कुल मेरा केक बन के तैयार हो गया है। अब जब हम ठंडा होगा तो इसको डीमोल्ड करेंगे। अब एक नाइफ लेंगे, उसके किनारों को अलग पहले करेंगे, तब किसी प्लेट में हम पलट देंगे। जो ऊपर का मेरा परत था उसको हमने पहले एक बार काट लिया है प्लेन करने के लिए, फिर बीच में से हम कट करेंगे और क्रीम लगाएंगे। बीच में से देखिए हमने कट कर लिया, कितना जालीदार बना हुआ है, बहुत ही स्पंजी केक बना हुआ है। अब हम क्रीम लेंगे और इसमें डाल करके चारों तरफ हम फैला देंगे। क्रीम हमने घर में बनाया है दूध की मलाई से, दूध को में जो मलाई होता है उसका क्रीम निकाल करके व्हिप्ड किया है। नाइफ से या चम्मच से हम अच्छी तरह से फैला करके जो केक का दूसरा पार्ट है उसको भी हम रख देंगे। इसके ऊपर भी अब हम क्रीम लगा देंगे चारों तरफ से। हमने केक में चारों तरफ से क्रीम लगा दिया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अगर क्रीम नहीं है तो आप प्लेन भी बनाएंगे तो भी बहुत अच्छा बन जाता है केक। एक डेरी मिल्क का चॉकलेट ले रहे हैं, इसको कद्दूकस करके उसमें बीच में या किनारे किनारे सब जगह फैला देंगे, जिससे डेकोरेट हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और जेम्स चॉकलेट भी है, उसको भी हम चारों तरफ लगा देते हैं। बिल्कुल सिंपल और इजी केक बनके तैयार हो गया है। इसको आप आराम से बना सकते हैं कोई भी, तो आप ट्राई करके देखिए कि बन जाएगा आराम से।